everyone. This is me, Noor here from Mentor Academy. Our lecture 9 is all about tenses. Tenses are very commonly used terminology in our daily life. हम जब से नर्सरी से लेकर या नर्सरी के बाद जब से हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की बातें सुनी है या इंग्लिश लैंग्वेज पे बात किसी से भी सुनी है तो सबसे पहले हम टेंसेस का जिक्र करते हैं या दूसरे भी टेंसेस का जिक्र ही कर रहे होते हैं दैट हाउ वी गोना मेक द टेंसेस. टेंसेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड अ प्रोसेस, नॉट अ टर्मिनोलॉजी दैट हमने आज सीख लिया और हमें आ गया. नो, दिस इज द प्रोसेस दैट यू लर्न इन योर होल लाइफ कि हाउ डू यू मेक द सेंटेंस, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइप ब्रांचेस एंड लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स इन इट that we are going to use and then we have to make the sentence and then we need to make the sentences. But the question is, what about the tenses? What are the tenses? What is the term is all about? Basically, tenses hum kehte hain ek puri situation ko kehte hain. This ek situation wo hoti hai jisme hum hote hain, matlab ki main abhi kahan hu, abhi main apne haal mein hu, matlab ki apne present mein hu, jo abhi ho raha hai mere sath wo sab kuch kya hai, present mein ho raha hai. जो अभी इस वक्त मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ पहले हो चुका है वो मेरा पास्ट है. सबका अलग अलग पास्ट होता है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल एंड ऑल. बट हम मैं क्या आगे करना चाहती हूँ या मैं आगे क्या करूँगी, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अब मैं ये आगे अभी पिछले 10 मिनट में मैं आपको ये पूरा लेक्चर समझा दूंगी. सो दिस इज व्हाट द फ्यूचर, मुस्तकबिल क्या है, मतलब जो मैं अभी कर रही हूँ वो मेरी वीडियो है जो शूट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड यू गाइस लर्न इंग्लिश एंड देन अपलोड होगी वीडियो मुस्तकबिल में, वो सारा फ्यूचर की बात है. और बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, वो सारा माजी में आ जाता है. सो टेंसेस इज ऑल अबाउट दीज थ्री ब्रांचेस, राइट? बट दिस इज नॉट द ब्रांचेस इफ वी कॉल, बिकॉज ये खुद एक पूरा पूरा हाउस है लर्निंग का. ये खुद एक बहुत पूरी मतलब बुक कह लें आप, ये बहुत कुछ हम सीखने को मिल सकता है अगर हम हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं कि आपको सिर्फ प्रेजेंट पे बनाना है, आपको सिर्फ पास्ट की आपको रिक्वायरमेंट दी हुई होती है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि ये सेंटेंस ये सिंबल दे रहा है. अगर था, थी, थे की बात हो रही होगी तो आपको पता है कि मैं चाय पी चुका था, आप सबको पता है कि ये क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है. मैंने ये काम कर लिया है, हो चुका है, मतलब हाल की तो बात नहीं हो रही है, पास की बात हो रही है. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अकॉम्प्लिश एंड नीड टू सेट इन आवर माइंड कि हमें लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना उससे हमें आइडेंटिफाई करना होता है. ये खुद एक बहुत बड़ा आर्ट होता है. अगर एक दफा हम इसको प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे ना तो हम सिर्फ सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड देन वी जस्ट जंप अप टू द इंग्लिश सेंटेंस, हम आसानी से बना लेंगे अगर हमें. लेकिन शुरू में बेसिकली क्या करना होता है, आपको पहचान करनी होती है कैसे आखिरी के मतलब एंड वाले जुमले के जो वर्ड्स होते हैं ना, था, थी, थे, हाँ, मतलब हैं, हूँ, हो, इस तरह से. अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, मैंने आपको पास का तो समझा दिया, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसकी बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी कर रही हूँ ना ये काम, ये हो रहा है काम, ये प्रेजेंट की बात है. मैं पढ़ाऊंगी, ये मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ जो कि अभी हुआ ही नहीं है, राइट? तो उसके लिए आप खुद आइडेंटिफाई करोगे या नाउ आई एम गोना मेक द फ्यूचर सेंटेंस, राइट? सो इसकी भी ब्रांचेज होती हैं. इसकी ब्रांचेज में आपको सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं हम इसको, अगर हम प्रेजेंट में बना रहे होते हैं तो. बट हम जो अभी बात कर रहे हैं ना वो पूरी ओवरऑल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर इंडेफिनिट लिखा है, सही है? एंड देन कंटिन्यूस तो आप पहचान गए हैं, कंटिन्यूटी का मतलब आप सबको पता है, जारी रहना, चल रहा हो जो भी काम, ठीक है? इंडेफिनिट का मतलब ये जो हो रहा हो, राइट, या हो चुका हो. एंड देन परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, जो काम हो चुका है, ना वो होगा ना वो हो रहा है, वो काम हो चुका है. एंड देन परफेक्ट कंटिन्यू, इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम इन तीन टर्मिनोलॉजीज पर फोकस करेंगे कि आप किस तरह से ये तीन टर्मिनोलॉजीज पर सेंटेंसेस बना सकते हैं. अब सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट ब्रांच या फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना शुरू करेंगे. ये सबसे ज़्यादा ईजी सेंटेंस होते हैं जिसको हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इसका ना ही तो कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है और ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. बट आई और ई, इसका मतलब हमें ज़्यादातर
ध्यान रखना पड़ता है कि IES के कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ लाइक इस तरह एक वर्ब होता है फ्लाई, सही है? बट इसकी अगर हम जमा कर देंगे या प्लूरल में लेके लाएंगे तो हम इसको फ्लाइज तो नहीं कर सकते हैं ना, फ्लाइज तो हम इस तरह करेंगे। तो हमें एक इसका ध्यान रखना पड़ता है ही शी इट के साथ जो हम सिंगुलर नाम के साथ जो हम एस ऐड कर रहे होते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है, अदरवाइज ये सेंटेंसेस बहुत इजीली आप बना सकते हैं। सो पहले इंडेफिनेट का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, बहुत ईजी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होता है। और मैंने ये आपको बता दिया एस ई एस और आई एस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले एग्जाम्स पे जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिएगा इसको क्योंकि दिस इज द वेरी ईजीएस्ट फॉर्म। सबसे पहले ईजी से आते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड देन लास्ट में ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं सेंटेंसेस। मैं आपको पहले ही रिमाइंडर दे रही हूँ ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें। सबसे पहले हमने एक सेंटेंस बनाया है कि आई गेट अप अर्ली एट 8 o'clock, मैं जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ सुबह 8 बजे। एंड देन वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। हमने सब्जेक्ट को वी से शुरू कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया एंड देन प्ले, हमने प्ले किया है, एक खुद एक एक्शन है, वर्ब है एंड देन लास्टली द ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ वी गोना मेक द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस बनाए सीखे किस तरह से हम इजीली प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी सेंटेंस को जिसके एंड में था थी थे आए उसको किस तरह से बनाते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको जिस तरह से एक पैटर्न है इंग्लिश का, सबसे पहले आप सवालिया जुमला नहीं बना सकते, सबसे पहले आप इंक्वायरी जुमला नहीं बना सकते, सबसे पहले आप एफर्मेटिव या प्रेजेंट इंडेफिनेट, जहाँ पर टेंसेस की बात आ जाती है तो वहाँ पर एफर्मेटिव क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाता है, उससे उसकी पहचान होती है। तो स्टेटमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग इस जुमले को, कि प्रॉपर एक स्टेटमेंट होती है कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, राइट? तो यहाँ पर हमने बात की थी कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है सेंटेंस की। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है एज यूजुअल, डोंट और डज नॉट का यूज होता है। डज नॉट हमेशा आपको पता है कि एक सिंगुलर नाउन एक प्रॉपर नाम के साथ यूज होता है, जिस तरह अली हो गया, नूर हो गया। सो एक प्रॉपर नाम के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, ई एस का इजाफा करेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव मेड the negative sentence according to the present indefinite is, now have a look on the example. The first example is I don't get up or I do not get up at early at 8 o'clock, main subah 8 baje nahi uthta hu ya nahi uthti hu, right? humne yahan par does not ka use kyun nahi kiya, kyunki yahan par ali nahi hai, theek hai, yahan par mera naam nahi hai, noor nahi hai, yahan pe I likha hua hai, theek hai, aur I hame nahi pata kiski baat ho rahi hai। जहाँ पे आपको नहीं पता हो, जहाँ पे एक सिंगुलर नाउन नहीं हो, तो वहाँ पे आप इजीली डू नॉट का यूज करेंगे और ये नेगेटिव को शो कर रहा है नॉट, तो ये आपका जुमला बन रहा है, राइट? एंड द सेकंड सेंटेंस इज वी डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे वी की बात हो रही है, यहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, तो हमने इधर भी क्या यूज किया, डोंट, राइट? डू नॉट प्ले क्रिकेट। सो दिस इज हाउ वी गोना मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन। अब हमें लास्ट स्टेप की तरफ आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का, जो कि है सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। उसका सिंबल ये होता है, आपको सेंटेंस देखते ही पहचान जाएगी कि ये सवाल, इसमें सवाल, किसी सवाल के बारे में बात हो रही है, किसी सवाल के बारे में पूछा जा रहा है, या कन्फर्मेशन कॉल हो रही है, क्या मैं ये करता हूँ, क्या मैं ये खाता हूँ, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, इस तरह की चीज़ होती है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट इज ऑल अबाउट लाइक कितने हैबिचुअल, जब आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल होते हो ना, तो उस तरह की बातों का जिक्र कर रहे होते हो अपनी स्पीच के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनेट उस तरह के जुमलों को बनाने की लाइक लाइकिंग या डिसलाइकिंग की तरफ आपके जुमलों को लेके जा रहा होगा। जिस तरह से आप, अगर मैं एक जुमला बनाऊँ कि क्या मैं आम खाती हूँ, मैं आम खाना पसंद करती हूँ, टी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। सो अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो हम हमेशा क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स जो सबसे पहले जो आपका हेल्पिंग वर्ब है जिसको आप यूज कर रहे हो, तो वो सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट की जगह क्या कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। सो द फॉर्मूला इज डू डज,
या तो 2 लगाएंगे या तो 10 लगाएंगे, और आपको मैं बहुत बता चुकी हूँ, अब आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि 2 की कहाँ यूज हो रहा है और 10 कहाँ यूज करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्जेक्ट. और हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डू आई गेट अप एट 8 AM, क्या मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ. मेरे एंड वाले वर्ड पे आप थोड़ा गौर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि डू आई गेट अप एट 8 AM, क्या मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ. दिस इज द सेंटेंस दैट हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं या हम किसी से कंफर्म कर रहे हैं या कभी कभी हम खुद से भी पूछे होते हैं, राइट. क्या मैं ये कर सकती थी, वो पास में चल जाएगा. क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये करती हूँ. एंड देन डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं. ते, सो ते से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करूंगी या करूंगा, और हमेशा मैं उसी सेंटेंसेस की तरह बनाऊंगा जिस तरह से हमारी वीडियो में देख के स्ट्रक्चर आपको सिखाया गया है. एंड देन आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सो दिस इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू आइडेंटिफाई थी था थे, दैट दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, और दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला दैट सब्जेक्ट प्रेजेंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक गिव अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.